तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूर विहार कॉलोनी में हुई महिला रेनू सिंह की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया। एसएसपी शलभ माथुर के निर्देश में लगाई गई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपनी तहकीकात शुरू की और सीसीटीवी के फुटेज और आसपास के लोगों के पूछताछ और मृतका के पति की गतिविधियों पर नजर रखते हुए मामले के तह तक पहुँच गई और सबूतों के साथ मृतका रेनू सिंह के पति सुनील सिंह को उस समय घर पहुँचा जब वो कहीं भागने के फिराक में था। कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस ऑफिस में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि घटनास्थल का सघन निरीक्षण, फोरेंसिक टीम की ओपिनियन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से मृतका के पति के बयानों में घटना के बाद से ही परस्पर विरोधाभास था। मुखबिरों द्वारा सूचना दी गई कि मृतका रेनू सिंह के पति सुनील सिंह द्वारा घटना को कारित कर कृत्रिम लूटपाट का दृश्य बनाया गया, जिससे पुलिस के शक की सुई लुटेरे व बदमाशों के इर्द गिर्द घूमे। एसएसपी ने बताया कि विभिन्न सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें फुटेज में घटना के बाद मृतका के पति सुनील सिंह आला कत्ल व रक्त रंजित कपड़ों को फेंकते हेतु झोले में रखकर झोला हाथ में लटकाए हुए जाते हुए दिख रहा था। सभी साक्ष्य मृतका के पति द्वारा ही घटना कारित किए जाने की तरफ इंगित कर रहे थे। इसी आधार पर जब सुनील सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि पति पत्नी में देर रात घरेलू बातों को लेकर विवाद हो गया। मेरी पत्नी रेनू सिंह द्वारा हमको काफ़ी अशोभनीय बातें कही गई, जिस पर मैंने क्षुब्ध होकर लोहड़े से वार कर दिया, जिस कारण रेनू सिंह की मृत्यु मौके पर हो गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। कल थाना तिवारीपुर में एक हत्या की बात प्रकाश में आई थी। मॉर्निंग में सूचना मिली थी कि एक महिला की लूट के साथ हत्या की गई है। इसके अंतर्गत थाना तिवारीपुर में अभियुक्त 302-394 का पंजीकृत किया गया था और इसके अंदर जो घटना निकल के आई है, अनावरण हुआ है, इसके अंदर जो महिला है इसके पति के द्वारा ही इसकी हत्या की गई है। अभियुक्त का नाम सुनील सिंह है। इसने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया है कि परसों रात में घटना की रात में इनका अपनी पत्नी से विवाद हुआ और तत्कालिक रूप से विवाद इतना बढ़ गया कि पहले जो महिला है उसी ने अपने आप को मारना चालू किया और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर महिला को तेज प्रहार किया सिर से, जो सिलपट्टा होता है उससे, और उसके बाद उस महिला की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद महिला जो है इन्होंने जो अपना जो आला कत्ल था वो मॉर्निंग में उसको लेके निकले और उसको इन्होंने फेंक दिया। और ये ब्रीफ फिर मॉर्निंग में किया कि जिस दौरान ये मॉर्निंग ब्रीफिंग पे गए थे, उसी मॉर्निंग वॉकिंग पे गए थे, उसी दौरान इस घटना को कोई बाहरी व्यक्ति ने लूट का अंजाम दिया है। ये लूट की घटना नहीं होके बल्कि ये घटना इस रूप में निकली है। इन्होंने अपने पूरे जुर्म का इकबाल किया है और बाकी विधिक कार्रवाई इसमें की जाए। ये विवाद कुछ कारणों को लेके हुआ था। पत्नी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जो घटना वाली रात है उस दिन भी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी और पत्नी की तबीयत खराब होने के बाद इनके बीच में विवाद चालू हुआ। इनका ये कहना था कि मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ से गाड़ी मंगाता हूँ। इसके बीच में तनातनी हुई कि इस तनातनी को लेके ये घटनाक्रम पूरा हुआ और इस तरह इनकी जो है इनके पति द्वारा हत्या की गई। आला कत्ल की बरामदगी का प्रयास अभी चल रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर इन्होंने फेंका है। इन्होंने बताया कि नाले के अंदर आला कत्ल को फेंका है, उसके अंदर टीम लगाई गई, गोताखोरों की भी टीम लगाई गई है। साथ ही साथ इन्होंने जो उस वक्त कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े भी जो थे वो ब्लड से स्टेन हो गए थे। तो जब मॉर्निंग में इन्होंने बताया कि मैं वॉक पर निकला हूं, तो जो सीसीटीवी निकला उसके अंदर एक झूले के साथ ही जाते हुए दिखाए गए। झूले को लेकर पूछताछ की गई, तब इन्होंने अपनी जुर्म का इकबाल करा कि उसी के अंदर उनके वो कपड़े और आला कत्ल था।